हाय, वेलकम टू मेघनास फूड मैजिक। एंड आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल जस्ट 3 इंग्रेडिएंट डेजर्ट। अनबिलीवेबल है ना, बट दैट्स राइट, यू हर्ड इट करेक्ट, इट्स जस्ट 3 इंग्रेडिएंट डेजर्ट जिसका नाम है चॉकलेट कप। तो शुरू करते हैं बनाना चॉकलेट कप। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे डिस्पोजेबल ग्लासेस है जो कहीं पे भी मिल जाते हैं, और इसको मैंने ये कट लगाया हुआ है। एंड इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ मेल्टेड चॉकलेट, जो मेरे ये नॉर्मल कुकिंग चॉकलेट है जिसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स रखोगे तो इतने अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अगर आप इसको बारीक चॉप करके डालोगे तो इट विल बी इजी टू मेल्ट। सो इसको मैं एक बार मिक्स कर देती हूँ ताकि कोई लम्ब ना रहे। एंड ये कप लेके जहाँ पे मैंने कट लगाया है उसकी ऑपोजिट साइड से हम डालना शुरू करेंगे। आई जस्ट टेक चॉकलेट एंड कप के अंदर डाल देंगे। एंड इसको मैं रोटेट करूंगी ताकि ये इसकी सारी एजेस पे लग जाए। इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और जहाँ पे कट है वहाँ से चॉकलेट गिरेगा, बट दैट्स ओके, यू विल कीप रोटेट दैट कप। जस्ट ट्राई एंड गेट द क्लियर एजेस जो ऊपर की होती है, एंड यू कैन सी बहुत अच्छे से पूरी तरह से कप को कोट कर दिया है। एंड इसको अब मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स ठंडा होने के लिए। सी ये कितने अच्छे से सेट हो गया है, और इसको निकालना भी बहुत आसान है। जहाँ से हमने कप को काटा है वहाँ से इसको यू जस्ट हैव टू फिल इट लाइक दिस। इसको एक हल्का सा कट दे देते हैं नीचे ताकि ये आराम से निकल जाए। एंड वाला कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बनाया हुआ कपकेक है। यू कैन टेक एनी केक लाइक केक, ब्राउनी, वनीला केक, जो भी आपके पास हो, ये मैं ले रही हूँ। और इसको मैं बीच से काट दूंगी एंड इसको डाल देंगे सीधा कप के अंदर। एंड इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे व्हिप क्रीम है, वो मैं डाल दूंगी। एंड केक का ये ऊपर का पार्ट जो है वो भी इसके अंदर डाल देंगे, एंड ऊपर से व्हिप क्रीम। और मेरे पास यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट का मैंने एक छोटा सा कप का हैंडल बनाया हुआ है, उसको भी हम कप के ऊपर चिपकाएंगे। तो मैं एक नाइफ ले रही हूँ, उसको हम हल्का सा गर्म करेंगे एंड चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे एंड कप के ऊपर। बस 2 मिनट पकड़ेंगे तो ये अपने आप ही चिपक जाएगा। सी, ये बहुत अच्छे से चिपक गया है। सो नाउ दिस इज एक्चुअली लुकिंग लाइक एक्चुअल कप, और बहुत अच्छे से हैंडल भी चिपक गया है। और मेरे पास ये लास्ट एक वेफर स्टिक है, ऑफ कोर्स मेरी डॉटर की फेवरेट है, जो मैंने छुपा के रखी हुई है। इसको भी हम इसमें डाल देंगे। This will go like this. So, इसको ले लेते हैं सीधा सर्विंग प्लेट के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको रख देती हूँ। एंड मेरे पास यहाँ पे रास्पबेरी सॉस था जिसका मैंने स्पाइडर बनाया हुआ है, एंड इसको सो आई विल जस्ट प्लेस दिस इन द सेंटर एंड द सिंपल बट द यम्मीएस्ट डेजर्ट इज एब्सोल्युटली रेडी। Like my this simple just 3 ingredient dessert recipe, then do like, share and subscribe only on Meghna's Food Magic.